प्रोबेबिलिटी थ्योरी के 18th वीडियो में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो के पहले मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर 17 वीडियो अपलोड कर चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं या ऊपर आ रहे आई बटन को भी प्रेस करके प्रोबेबिलिटी थ्योरी के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। तो हाई फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेज, मैं हूँ सुनील कुमार। इस चैनल पर मैं हायर मैथमेटिक्स का ही वीडियो लेकर के आता हूं। आप यदि हायर मैथमेटिक्स अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलते रहे। यदि वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे चैनल के वीडियो देखने के लिए आप एमए क्लासेज को क्लिक करें। एमए क्लासेज को क्लिक करने के साथ होम पेज खुल जाएगा। होम पेज में आप प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में आपको डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियोज मिल जाएगा। आप जिस टॉपिक के वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आप सिंप्लेक्स मेथड का वीडियो देखना चाहते हैं उस पर क्लिक करें। अब सिंप्लेक्स मेथड पर जो भी वीडियो यहाँ आपके सामने आ जाएगा आप उसको देख सकते हैं। हम लोग सबसे पहले देखते हैं ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है? द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द टू डायमेंशनल रेंडम वेरिएबल एक्स कॉमा वाई इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक फंक्शन होता है और डिफाइंड फॉर ऑल रियल एक्स एंड वाई। यहाँ पर दो वेरिएबल ले रहे हैं एक्स और वाई, ये दो वेरिएबल पर ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है। कैसे डिफाइंड हो रहा है? कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, और कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा वाई पर ये फंक्शन का वैल्यू किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स एंड वाई लेस देन इक्वल टू स्मॉल वाई। जैसे हम लोग वन डायमेंशनल रेंडम वेरिएबल में जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफाइंड किए थे, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो डिफाइंड हुआ था उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स लिख रहे थे और ये क्या बता रहा था? पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स को बता रहा था। सिर्फ अंतर यहाँ पर यह कि ज्वाइंट वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये टू डायमेंशनल रेंडम वेरिएबल हो जाएगा। तो टू डायमेंशनल रेंडम वेरिएबल में एक्स कॉमा वाई इस पर फंक्शन डिफाइंड करेंगे और ये किसके बराबर होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, वाई लेस देन इक्वल टू वाई, इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ और यहाँ पर एक्स वाई लिख देते हैं कि ये रेंडम वेरिएबल एक्स और वाई है, इसीलिए यहाँ पर एक्स वाई लिखा हुआ है। तो अगर इस तरीके से फंक्शन डिफाइंड कर रहे हैं कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, वाई लेस देन इक्वल टू वाई, तो इसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक एग्जांपल से समझो, ध्यान देना यहाँ पर, इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा ये कि मान लो ये पेयर ऑफ फेयर डाइस आर थ्रोन। एक हम लोग पेयर ऑफ डाइस थ्रो कर रहे हैं, दो पासे को फेंक कर रहे हैं। लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ फर्स्ट डाई, एक्स डिनोट कर रहा है फर्स्ट डाई में जो नंबर आ रहा है, और वाई द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर्स, वाई जो है वो दोनों पासे में जो स्मॉलर होगा उसको डिनोट कर रहा है। तो एक्स फर्स्ट डाई का नंबर, वाई जो है वो दोनों पासे में से जो स्मॉलर होगा उसको डिनोट कर रहा है। तो जब दो पासे को फेंकते हैं तो सिंपल स्पेस में टोटल 36 एलिमेंट आएगा, 1 1 1 2 1 3 डॉट डॉट। तो यहाँ पर एक्स का क्या वैल्यू आएगा, एक्स का कौन कौन सा वैल्यू हो सकता है? एक्स डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ द फर्स्ट डाई, तो फर्स्ट डाई में जो नंबर आएगा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। और वाई डिनोट कर रहा है दोनों में से जो स्मॉलर है, तो वाई का कौन कौन सा वैल्यू आएगा? मान लो अगर ये सिंपल स्पेस का ये अगर एलिमेंट आ जाता है तो दोनों में स्मॉलर 1 है तो वाई का वैल्यू 1 हो गया। ये सभी देखोगे, ये सभी में से स्मॉलर 1 है तो y का वैल्यू 1। अगर इसकी बात करें तो स्मॉलर 1 है, यहाँ पर भी y का वैल्यू 1। अगर इसकी बात करें तो स्मॉलर 2 है, इसकी बात करें तो स्मॉलर 2 है, दोनों में से स्मॉलर 2 है तो y का वैल्यू 2 भी आ सकता है। इसी तरीके से 3 4 5 और 6 तक आ सकता है। जैसे अगर इसकी बात करें तो इसकी बात करते हैं तो दोनों में से स्मॉलर 5 है, इसकी बात करें तो स्मॉलर 6 है, तो ये 6 तक जा सकता है। अब अगर हम लोग ऐसा लिखें कि एफ ऑफ 1 2 का वैल्यू निकालना है, एफ ऑफ 1, 2, एफ जो है वो एक यहाँ पर जो लिख रहे हैं कि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। यहाँ एक्स वाई लिख देते हैं तो ये रेंडम वेरिएबल को डिनोट कर रहा है। तो अगर इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है तो इसका मतलब हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 1, वाई लेस देन इक्वल टू 2। तो x का वैल्यू 1 से छोटा होना चाहिए और y का वैल्यू 2 से छोटा होना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, p
प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन, ये हो सकता है, और फिर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू वन वाई इक्वल टू टू, और कोई हो सकता है क्या यहाँ पर? x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू वन, तो लेस देन इक्वल टू वन में तो x का वैल्यू सिर्फ वन ही आएगा, और y लेस देन इक्वल टू टू तो y का दो वैल्यू आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू टू में वन और टू आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, x लेस देन इक्वल टू वन में x का वैल्यू वन हो गया और y का वैल्यू लेस देन इक्वल टू टू है तो y का वैल्यू वन और टू हो जाएगा। तो एक बार हम लोग वन वन ले लेते हैं, x इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन, एक बार ले लेते हैं वन टू x इक्वल टू वन वाई इक्वल टू टू। अब इसका प्रोबेबिलिटी को हम लोग सम कर देंगे तो इसका प्रोबेबिलिटी आएगा क्या, x इक्वल टू वन वाई इक्वल टू वन, यानी फर्स्ट पासे में वन और दोनों में से जो स्मॉलर है वो वन, इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो फर्स्ट पासे में वन देख रहे हो यहाँ पर आ रहा है, इसमें से छः एलिमेंट जितना भी है उसमें फर्स्ट पासे में वन आ रहा है, ये सभी में तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स आ रहा है, तो फर्स्ट टाइम में वन यही है। अब ये से इसमें ये देखना है कि स्मॉलर भी वन होना चाहिए, तो वाई का वैल्यू वन होना चाहिए, यानी कि दोनों पासे में जो नंबर आ रहा है वो वन होना चाहिए। क्या ये सभी में स्मॉलर वन है, इसका भी वन है, इसमें भी स्मॉलर वन है, दोनों में से ये दोनों में भी वन है, ये दोनों में भी वन है, ये दोनों में भी वन है और यहाँ पर भी वन है, तो इसके फेवर में कितना केस हो गया, टोटल सिक्स केस हो गया, तो सिक्स फेवरेबल केस हो गया और 36 टोटल केसेज है, तो यानी कि 6/36 इसका प्रोबेबिलिटी हो गया। अगर इसका प्रोबेबिलिटी की बात करें तो इसका प्रोबेबिलिटी एक्स का वैल्यू वन होना चाहिए और स्मॉलर टू होना चाहिए, तो x का वैल्यू तो 1 यही सब में है और स्मॉलर क्या 2 है, 1 तो x का वैल्यू 1 यानी फर्स्ट पासे में 1 यही सब में है, इसके अलावा कोई दूसरा में नहीं है, ये सब में तो फर्स्ट पासे में 1 से अधिक है, तो फर्स्ट पासा में 1 होना चाहिए और स्मॉलर 2 होना चाहिए। क्या दोनों में स्मॉलर 2 है क्या, इसमें भी स्मॉलर 2 नहीं है 1 है, इसमें भी स्मॉलर 2 नहीं है 1 है, यहाँ भी स्मॉलर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो इसके फेवर में कितना केस है, इसके फेवर में एक भी केस नहीं है, यानी कि इसका हो जाएगा 0 और टोटल है 36, तो ये कितना आ गया, ये 1/6 प्लस 0 यानी कि इसका वैल्यू आ गया 0, तो सॉरी 1/6 हो गया, इसका वैल्यू जो है वो 1/6 आ गया। तो ये बता रहा है 1,2 का फंक्शन का वैल्यू, ये 1,2 का जो फंक्शन का वैल्यू निकला इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किस पॉइंट पर निकाले हैं, 1,2 पर, दो वेरिएबल पर निकलता है, किसी पर भी निकाल सकते हो। अगर हम लोग ये निकालना चाहें पी एक्स वाई, यहाँ पर हम लोग ले देते हैं 1.1 और यहाँ ले देते हैं 2.7, इस पर भी निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये जो नंबर है वो रेंडम वेरिएबल का वैल्यू ही हो, ये ज़रूरी नहीं है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे पी एक्स लेस देन इक्वल टू वन, और 1.1 है, x लेस देन इक्वल टू 1.1 कॉमा y लेस देन इक्वल टू 2.7। तो अब x लेस देन इक्वल टू 1 में कौन कौन सा वैल्यू है 1.1 में, तो 1.1 से छोटा में मात्र एक वैल्यू है x इक्वल टू 1, और यहाँ पर y का कौन सा वैल्यू है 2.7 से छोटा, 2.7 से छोटा 1 और 2 ये दोनों है। तो इसमें भी हम लोग फिर क्या करेंगे, यहाँ पर पी एक्स इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 हो गया, और फिर एक आएगा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, तो फिर तो यही ऊपर वाला ही केस आ गया, यानी कि इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा 1/6। तो ये 1,2 पर फंक्शन का वैल्यू निकाले थे, ये 1.1, 2.7 पर फंक्शन का वैल्यू निकाले, ये भी कितना आ रहा है 1/6। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यहाँ जो नंबर हम लोग रख रहे हैं वो रेंडम वेरिएबल का वैल्यू ही, कोई भी वैल्यू हो सकता है। अगर हम लोग एक तीसरा है देखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल, तो थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, मान लो ये निकालना है एफ 2,3 पर, तो 2,3 पर निकालना है, इसका मतलब ये बता रहा है कि x लेस देन इक्वल टू 2 वाई लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। तो x लेस देन इक्वल टू 2 और y लेस देन इक्वल टू 3 में कौन कौन सा आएगा, तो x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर x का वैल्यू 1 और 2 आ सकता है, और फिर y का वैल्यू जो है वो 1,2,3 भी आ सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पी एक्स इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 1 हम लोग लिख सकते हैं, 1 और 1, फिर हम लोग पी एक्स इक्वल टू 1 रखते हैं और वाई इक्वल टू 2, फिर प्लस पी एक्स इक्वल टू 1 ही रखते हैं और वाई इक्वल टू 3 ले लेते हैं हम लोग, तो वाई का वैल्यू हम लोग यहाँ पर 3 ले रहे हैं, और फिर आगे पी अब एक्स 2 रखते हैं और वाई इक्वल टू 1, फिर x इक्वल टू 2 रख रहे हैं हम लोग y इक्वल टू 2,
और फिर x इक्वल टू प्लस हो जाएगा यहाँ पर, प्लस पी एक्स इक्वल टू टू रख रहे हैं और y इक्वल टू थ्री, सारा कॉम्बिनेशन बना दिए कि x का वैल्यू वन, y का वैल्यू वन, वन टू, फिर वन थ्री, फिर टू वन, टू टू, टू थ्री। अब सभी का प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे, तो x इक्वल टू वन, y इक्वल टू वन का प्रोबेबिलिटी अभी हम लोग निकाले हैं, x इक्वल टू वन, y इक्वल टू वन का प्रोबेबिलिटी 6/36 था, तो ये 6/36 हो जाएगा। फिर इसका प्रोबेबिलिटी की अगर बात करें, x इक्वल टू वन, y इक्वल टू टू, इसका भी प्रोबेबिलिटी हम लोग निकाले हैं, इसका 0/36 मीन्स 0 था। और फिर x इक्वल टू वन, y इक्वल टू थ्री, तो फर्स्ट डाई में 1 आना चाहिए और मिनिमम दोनों में से 3, इसका भी 0 आएगा, क्योंकि अगर फर्स्ट डाई में 1 आ चुका है तो अब मिनिमम जो है वो 3 नहीं हो सकता है, इसमें से कोई ऐसा नहीं है जिसका मिनिमम 3 हो, फर्स्ट डाई में 1 आया और मिनिमम 3 होना चाहिए दोनों पासे का, तो ये भी 0 आएगा। अब फिर हम लोग निकालते हैं x इक्वल टू टू, y इक्वल टू वन, मतलब फर्स्ट डाई में 2 और मिनिमम 1, तो देखिए ये जो है ये फेवरेबल केस हो गया, फर्स्ट डाई में 2 है और मिनिमम 1 है, इसके अलावा इसमें से फर्स्ट डाई में 2 है लेकिन मिनिमम 2 है, इसमें फर्स्ट डाई में 2 है मिनिमम 2 है, यहाँ पर भी फर्स्ट डाई में 2 है लेकिन मिनिमम 2 है, तो ये सब में y का वैल्यू 1 नहीं मिल रहा है, सिर्फ इसी में मिल रहा है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, तो इसके लिए फेवरेबल केस हो गया 1 और टोटल केसेज हो गया 36। फिर अगर इसकी बात करें x इक्वल टू टू, y इक्वल टू टू, मतलब फर्स्ट टाइम में 2 और मिनिमम 2, तो इसमें फर्स्ट टाइम में 2 आ रहा है लेकिन मिनिमम 1 आ रहा है, ये नहीं होगा, ये फर्स्ट टाइम में 2 आ रहा है मिनिमम 2 आ रहा है, फर्स्ट टाइम में 2 आ रहा है और दोनों का मिनिमम 2 आ रहा है, तो ये 5 केस जो है ये फेवरेबल केस हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 5/36। और फिर अगर इसकी बात करें x इक्वल टू टू, y इक्वल टू थ्री, तो x इक्वल टू टू ये सभी में है लेकिन मिनिमम 3 किसी में नहीं है, इसमें भी मिनिमम 2 है, इसमें भी मिनिमम 2, इसमें भी मिनिमम 2, इसमें भी मिनिमम 2, इसमें भी मिनिमम 2, तो फर्स्ट टाइम में 2 लेकिन मिनिमम 3 नहीं हो सकता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। अब ये सभी का प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो 6+1 7+5 12/36 हो जाएगा, यानी कि ये कट कैंसिल होकर के 1/3 हो जाएगा, तो ये फंक्शन का वैल्यू निकल गया 2-3 पॉइंट पर। तो ये जो फंक्शन है इस तरीके से हम लोग किसी भी पॉइंट पर निकाल सकते हैं, तो ऐसे ही फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में क्या करते हैं, किसी भी रियल नंबर पर हम लोग एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर ले रहे हैं x और y, इस पर फंक्शन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये क्या बताता है, x लेस देन इक्वल टू x और y लेस देन इक्वल टू y का प्रोबेबिलिटी बताता है। तो इस तरीके से अगर फंक्शन डिफाइन करते हैं, दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है कि द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x, ये सिंगल वेरिएबल के लिए होगा मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या तो सिंगल वेरिएबल x के लिए या सिंगल वेरिएबल y के लिए। तो फिलहाल पहले हम लोग देखते हैं x के लिए कि मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x करिस्पॉन्डिंग टू द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किसी ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के करिस्पॉन्डिंग होगा। तो सपोज करते हैं ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, इसके करिस्पॉन्डिंग अगर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन x का निकालना है तो उसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, f ऑफ x, यहाँ पर कैपिटल x लिख देते हैं क्योंकि ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम लोग वेरिएबल रेंडम वेरिएबल x का हम लोग लिख रहे हैं। तो इस तरीके से मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x को डिनोट करते हैं, और डिफाइंड कैसे करते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू होगा p ऑफ x लेस देन इक्वल टू स्मॉल x, यानी कि प्रायोरिटी बता रहा है जहां पर ये रेंडम वेरिएबल x का वैल्यू लेस देन इक्वल टू x होगा। तो ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से रिलेटेड है, तो यानी कि ज्वाइंट रेंडम वेरिएबल यानी कि टू डायमेंशनल रेंडम वेरिएबल में ये हम लोग डिफाइंड कर रहे हैं। तो x का तो वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू x, लेकिन y का क्या वैल्यू होगा, तो y का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, y लेस देन इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू x होना चाहिए और y कोई भी वैल्यू हो सकता है, y लेस देन इन्फिनिटी यानी कि y का कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो उसका जो प्रोबेबिलिटी आएगा उसी को हम लोग कहते हैं मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ x, रेंडम वेरिएबल x का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि देखिए अभी हम लोग ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफाइन किए थे कि ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो आया था एक्स वाई, ये क्या आया था, पी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, वाई लेस देन इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पी एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स, वाई लेस देन इन्फिनिटी है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको एफ ऑफ एक्स वाई लिखते हैं, इसको लिख सकते हैं ना एफ ऑफ एक्स वाई, यहाँ पर एक्स है यहाँ वाई है तो इसको एफ ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ पर एफ ऑफ
एक्स वाई लिखते हैं और इसमें लिमिट लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो वाई है वाई की जगह क्या है इन्फिनिटी है, तो इसमें लिमिट लगा देते हैं वाई टेंस टू इन्फिनिटी, तो वाई की जगह इन्फिनिटी बैठाएंगे तो यही आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई की जगह यहाँ पर लिमिट बैठा दीजिए, इन्फिनिटी बैठा दीजिए, तो इसको इस तरीके से, यानी कि आप ये और ये कंपेयर कीजिए। देखिए यहाँ पर जो लिखे थे कि ये जो एक्स होता है और ये जो वाई होता है वही यहाँ पर एक्स वाई लिखते हैं, तो यहाँ पर x और इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू x, लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ लेस देन है। और इसी को हम लोग लिमिट के फॉर्म में लिख रहे हैं, यहाँ पर इन्फिनिटी है तो यहाँ पर y कर देते हैं और उसको लिमिट लगा देते हैं, लिमिट y टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये क्या है, एक एग्जाम्पल से देखिए, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी हम लोग जो एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे थे कि दो पासे को फेंक रहे हैं और उसमें जो फर्स्ट टाइम में नंबर आ रहा है उसको एक्स से और जो स्मॉलर आ रहा है उसको वाई से डिनोट कर रहे हैं, तो अगर हम लोग को निकालना हो ये एफ ऑफ एक्स वन पर, तो वन पर ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बता रहा है, तो वन पर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा पी एक्स लेस देन इक्वल टू वन, और लेस देन इक्वल टू वन एक्स हुआ, वाई क्या होगा, वाई का यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकता है, यानी कि यहाँ पर एक्स लेस देन इक्वल टू वन में सिर्फ वन ही आएगा, वन से छोटा। अगर x की बात करें तो x जो है, x का वैल्यू अभी हम बात कर रहे थे, x का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हो सकता है, तो इस 1 से 6 तक जो वैल्यू है उसमें लेस देन इक्वल टू वन में सिर्फ यही वैल्यू आएगा, तो x इक्वल टू वन होगा, और y इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, y इक्वल टू वन भी होगा, फिर x इक्वल टू वन y इक्वल टू टू भी होगा, फिर x इक्वल टू वन y इक्वल टू थ्री भी होगा, इस तरीके से ये सभी कहाँ तक जा सकता है, x इक्वल टू वन होगा और y इक्वल टू सिक्स तक जाएगा, तो सभी का प्रायोरिटी का सम कर देंगे, तो x इक्वल टू वन y इक्वल टू वन का प्रायोरिटी निकाले थे 1/36 आया था अभी, और x इक्वल टू वन y इक्वल टू टू का प्रायोरिटी की बात करें तो इसका प्रायोरिटी जीरो आएगा, इसका भी जीरो आएगा, तो ये सभी का वैल्यू जो है वो जीरो आएगा, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे मान लीजिए x इक्वल टू वन y इक्वल टू सिक्स, यानी फर्स्ट टाइम में वन आना चाहिए और मिनिमम सिक्स आना चाहिए दोनों डाई का, तो फर्स्ट टाइम में वन तो ये है, लेकिन ये छः जो है उसमें फर्स्ट टाइम में वन है, लेकिन मिनिमम सिक्स है क्या, ना तो इसमें मिनिमम सिक्स है, मिनिमम वन है, इसमें भी मिनिमम सिक्स नहीं है, मिनिमम वन है, इस दोनों में से मिनिमम वन है, सिक्स नहीं है, इसमें भी मिनिमम वन है, सिक्स नहीं है, इसमें भी कि सभी में वन है, सिक्स नहीं आ सकता है मिनिमम, यानी कि इसके लिए फेवरेबल केस एक भी नहीं होगा, यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाएगा, तो ये 1/36 आ गया। और ये क्या बता रहा है, सिर्फ हम लोग वन लिए हैं वाई, एक्स का वैल्यू वन लिए हैं, वाई जो है वो सारा कंसिडर कर लिए हैं, वाई का वैल्यू वन भी ले लिए हैं, वाई का वैल्यू टू भी ले लिए हैं, तो ये सिर्फ एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ पर कंसिडर कर रहे थे, सिर्फ एक्स इक्वल टू वन के लिए निकाल रहे थे, तो इस तरीके से ये निकालेंगे, तो ये बता रहा है मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहेंगे, ये एक्स इक्वल टू वन का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया। और इसी तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, सिमिलरली द मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वाई करिस्पॉन्डिंग टू द ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिस, ये ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, और इस ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के करिस्पॉन्डिंग वाई का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिनोट इस तरीके से करेंगे, एफ ऑफ वाई, और ये कैपिटल वाई लिख रहे हैं, ये रेंडम वेरिएबल है, और इसको डिफाइंड करते हैं इस तरीके से, एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई लेस देन इक्वल टू वाई, तो y का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू y होगा, और x का वैल्यू क्या होगा, x का कोई भी वैल्यू हो सकता है, x का वैल्यू लेस देन इन्फिनिटी, मतलब x का सारा वैल्यू हो जाएगा, तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं इसको, जैसे देखिए ये x लेस देन इन्फिनिटी, y लेस देन y है, तो इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी फंक्शन से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा इन्फिनिटी और यहाँ हो जाएगा y, तो वही f इन्फिनिटी y लिखे हुए हैं, f इन्फिनिटी y, स्मॉल y है, तो f इन्फिनिटी y, और इसको लिमिट के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिमिट में लिखेंगे तो यहाँ f ऑफ एक्स वाई लिख दिया और x टेंस टू इन्फिनिटी लगा देते हैं, तो इन्फिनिटी यहाँ पर आ जाएगा, तो इस तरीके से ये x का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और ये y का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफाइंड हो गया, x और y का दोनों का। और एग्जाम्पल अगर लिखना हो तो ये एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि ये 1 का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया, 2 का भी आप निकाल सकते हैं, तो 2 का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 2 का निकालना है, f ऑफ 2, लेकिन रेंडम वेरिएबल x का निकालना है, तो ये कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 लेना पड़ेगा, तो x लेस देन इक्वल टू 2 में यहाँ पर दो चीज़ आ जाएगा, x इक्वल टू 1 भी आ जाएगा और 2 भी, और y का वैल्यू क्या होगा,
तो वाई का वैल्यू जो है, ये वाई का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी और 6 भी आएगा। तो यहाँ पर अब ये प्रोबेबिलिटी बताएगा, ये कई प्रोबेबिलिटी आएगा यहाँ पर, 1 1 का 1 2 का 1 3 का 1 4 का 1 5 का 1 6 का, फिर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 का, और सभी का प्रोबेबिलिटी का सम कर देंगे तो ये निकल जाएगा 2 का। ये रेंडम वेरिएबल एक्स का मार्जिनल प्रोबेबिलिटी निकल रहा है 2 पॉइंट पर। अगर हम लोग इसी तरीके से y का निकालना चाहें कि f ऑफ y 1, मतलब ये y रेंडम वेरिएबल का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकल रहा है, और किस पॉइंट पर निकल रहा है, 1 पर निकल रहा है, तो ये कैसे निकालेंगे f ऑफ y, सॉरी ये बताएगा प्रायोरिटी ऑफ y लेस देन इक्वल टू 1, y का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 1। तो लेस देन इक्वल टू 1 में सिर्फ y इक्वल टू 1 ही होगा। अब x क्या होगा, तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, x का वैल्यू 1 से लेकर के 6 तक हो सकता है। तो x का जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 तक कुछ भी हो सकता है। तो पहले आप x लिखिए, उसके बाद y लिखिए कि x जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, और y का जो वैल्यू लेना है वो y लेस देन इक्वल टू 1, और लेस देन इक्वल टू 1 में सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा y का, 1 से छोटा में सिर्फ 1 ही आएगा। अब यहां पर ये प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर f नहीं, ये प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी किसका किसका हो जाएगा, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 का, y लेस देन 1 में y इक्वल टू 1 हो जाएगा, और फिर x लेस देन x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। इस तरीके से यहाँ पर ये सभी आ जाएगा, x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 1। अब सभी का प्रोबेबिलिटी को आप ऐड कर दीजिएगा तो ये जो वैल्यू निकलेगा, y का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकल जाएगा, y रेंडम वेरिएबल का किस पॉइंट पर निकल जाएगा, 1 पर। तो ये हुआ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब जरा देखिए इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं जरा समझिए। देखिए मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर हम लोग रेंडम वेरिएबल एक्स का निकाल रहे हैं, पॉइंट एक्स पर निकाल रहे हैं, तो ये क्या बता रहा है, ये प्रायोरिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स का बता रहा है, और यहाँ पर वाई का क्या वैल्यू होगा, तो y का सपोज कीजिए y का 3 वैल्यू है, y1 है y2 है और y3 है, डिस्क्रीट की बात कर रहे हैं, तो एक y का वैल्यू y1 भी ले लेंगे हम लोग, और दूसरा में क्या करेंगे px लेस देन इक्वल टू x लिखेंगे, और y का वैल्यू हम लोग y2 ले लेंगे। एक में y1 ले रहे हैं और एक में y इक्वल टू y2 ले रहे हैं, फिर y का कोई भी वैल्यू हो सकता है, सिर्फ x लेस देन इक्वल टू x होना चाहिए। अब फिर ये बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू x और y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू एक 3 भी ले लेते हैं, मतलब y का 3 वैल्यू है तो तीनों वैल्यू ले लेते हैं। आप इसको सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा ऑफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x और y इक्वल टू, यहाँ पर आप वाई आई कर दीजिए, यहाँ पर आई का वैल्यू 1 से लेकर के 3 तक जा रहा है। तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यानी कि हम लोग अगर लिखना चाहें तो f ऑफ x जो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है उसको लिखने के लिए सिग्मा लगा सकते हैं, और यहाँ पर p ऑफ x लेस देन इक्वल टू x लिखना है, और y इक्वल टू आप यहाँ पर y लिख दीजिए, और y भारी करेगा, यहाँ पर क्या भारी कर रहा था, y1 y2 y3, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ अगर y लिख रहे हैं तो ये y भारी करेगा, y का जो भी वैल्यू होगा सभी वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरीके से f ऑफ y निकालना है, अगर y रेंडम वेरिएबल का मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है तो यहाँ पर प्रायोरिटी जो होगा वो y लेस देन इक्वल टू y होगा, और x जो वैरी करेगा x इक्वल टू कैपिटल x इक्वल टू x होगा, और ये कैपिटल x इक्वल टू x, x कोई भी वैल्यू हो सकता है, x वैरी करेगा। जैसे यहाँ पर y वैरी कर रहा था उसी तरीके से इसमें x जो है जितना भी x का वैल्यू होगा रेंडम वेरिएबल x का वो सारा वैल्यू लिखेंगे और सभी का प्रोबेबिलिटी का सम कर देंगे। तो इस तरीके से भी हम लोग मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरीके से भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हो गया। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही, यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।